क्या आपकी वोट सुरक्षित है? जी हां, यह सवाल अब चुनावों के बाद उठ उठकर लोगों के मन में आ रहा होगा और जवाब है साफ साफ हां। आप सभी का वोट सुरक्षित है क्योंकि जिन ईवीएम में आपने अपने वोट डाले हैं उन्हें स्ट्रांग रूम भेजा जा चुका है, यानी कि एक ऐसी जगह जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हिमाचल में भी 25 दिनों तक ईवीएम स्ट्रांग रूम में रहेगी और लगभग 8 से 10 करोड़ का खर्चा इस पूरी व्यवस्था पर किया जाएगा। स्ट्रांग रूम एक ऐसी जगह है जिसे केवल और केवल सरकारी बिल्डिंग में स्थापित किया जा सकता है और सभी राजनीतिक दलों सहित प्रत्याशियों को लिखित में इसकी जानकारी दी जाती है। इसमें ध्यान रखा जाता है कि यह सरकारी भवन पुलिस स्टेशन ना हो। स्ट्रांग रूम ऐसी जगह पर कतई भी नहीं बनाया जाता जहां बाढ़ आना या आग लगने जैसे जरा भी आसार हो। यहां तक कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में भी स्ट्रांग रूम को नहीं बनाया जाता और यदि आसपास कंस्ट्रक्शन का कार्य चल भी रहा हो तो यह ध्यान रखा जाता है कि वहां पर ड्रिल इत्यादि प्रक्रिया ना हो। स्ट्रांग रूम में इलेक्ट्रिकल स्विचेस, एसी, लैन आदि को खास तौर पर चुनाव आयोग के निर्देशों पर ही बनाया जाता है। इसे आग न लग सकने वाले डस्ट फ्री मटेरियल से बनाया जाता है और साथ ही साथ ऐसी सुरक्षा में रखा जाता है कि बाहर से फिजिकल या वर्चुअल तौर पर कोई कनेक्शन न रह पाए। स्ट्रांग रूम में 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम को फॉलो पूरे देश में किया जाता है। 3 घेरों की सिक्योरिटी में सबसे बाहरी घेरा राज्य पुलिस बलों का होता है और उसके ठीक बाद कमरे का बाहरी हिस्सा राज्य सुरक्षा बलों की सुरक्षा में रहता है। ये सभी हथियारों से लैस कमांडो होते हैं। सबसे अंदरूनी घेरा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है और ये वो जगह होती है जहां ईवीएम और वीवीपैट रखे जाते हैं। इन तीनों सुरक्षा घेरों से बच पाना किसी के लिए भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कैमरे के तौर पर तीसरी आंख सदैव स्ट्रांग रूम के हर कोने पर अपनी नजर बनाए रखती है। जिला के डीसी और एसपी की ही इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। स्ट्रांग रूम में यदि कोई अधिकारी या प्रत्याशी जाना चाहे तो इसके लिए लिखित रिकॉर्ड भी मेंटेन किए जाते हैं। इसमें तारीख, समय, घंटे और नाम के हिसाब से वहां हो रही हर हरकत को कैमरे में कैद किया जाता है और लॉकबुक में रिकॉर्ड किया जाता है। स्ट्रांग रूम में एक एंट्री पॉइंट और डबल लॉकिंग सिस्टम होता है जिसमें 2 चाबियां होती हैं। एक चाबी रिटर्निंग अफसर के पास होती है तो दूसरी चाबी असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर के पास रहती है। स्ट्रांग रूम के अन्य सभी पॉइंट जैसे खिड़कियां इत्यादि पूरी तरह से सील किए गए होते हैं। जिस दिन ईवीएम को काउंटिंग हॉल तक स्ट्रांग रूम से लाया जाता है तो कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए जाते हैं और यदि हॉल की दूरी अधिक हो तो बैरिगेटिंग की जाती है। प्रत्याशी स्ट्रांग रूम की देखरेख के लिए अपने एजेंट को भी नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को भेदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। और इतना ही नहीं, स्ट्रांग रूम के आसपास के क्षेत्र को भी पुलिस द्वारा छावनी में बदल दिया जाता है।